ना दुनिया के लिए लिखते ना मेरे लिए लिखते, ना दुनिया के लिए लिखते ना मेरे लिए लिखते, गालिब जिंदा होते तो तेरे लिए लिखते, गालिब जिंदा होते तो तेरे लिए लिखते। बादलों को मेरा यार हंस रहा है, बारिश की जाए, यार हंस रहा है, बारिश की जाए। चार बार देखे हम आपके हैं। कौन कब का हट गया? रंगीला देखी। करण अर्जुन चलना, करण अर्जुन देख के आते हैं। शाहरुख सलमान दोनों है। हाथ पकड़ोगे तो? नहीं पकड़ूंगा। पकड़ोगे? माँ कसम नहीं पकड़ूंगा। क्यों गाली दबाओगे? माँ कसम नहीं छोड़ूंगा। नहीं, गोदी में पॉपकॉर्न गिरेगा तो ढूंढोगे नहीं अंधेरे में? माँ कसम नहीं ढूंढूंगा। नहीं ढूंढोगे? सट के बैठोगे? माँ कसम नहीं सकूंगा। तो अपना अम्मा का साथ ही जाओ ना, हमारा क्या जरूरत है। डर गया? मुझे बड़ा मजा आता है जब कोई डरता है। पता चलता है उसे अपनी जिंदगी की परवाह है, और जिसे जिंदगी की परवाह होती है माँ कसम मारने का मजा उसी का आता है। जैन जी, मेरे पास टाइम नहीं और तुम्हारे पास बचा नहीं है। समझो, तुम एक ऐसे इंसान का साथ दे रहे हो जो गरीबों को लूटता है, पर मैं तुम्हें इज्जत दे रहा हूं, ले लो ना। क्या प्रॉब्लम है मेरे अंदर है? मेरे लंबे लंबे दांत हैं, लंबे लंबे नाखून हैं, मेरे पैर पीछे हैं, लंबी पूछ है, नहीं है ना? डरने की बात नहीं, लॉजिकल बात कर रहा हूं, नहीं है ना? तो बता ना, तो बताना डिबिल का। तुम इंजीनियर हो ना? हम तो आउटसोर्सिंग करते हैं यमराज के लिए। इतना काहे घबरा रहे हो जी? फ्री में थोड़ा ना मारेंगे, एक ही का पैसा मिले। अरे शक्ल तो देख ले अपनी, क्योंकि 5 फुट का छोटा पतला दुबला सा आदमी, काला कलूटा, मुझे खुद को पता नहीं था कि इंडस्ट्री में मेरा क्या हाल होगा, बट एक जिद थी, एक जिद थी, और हजारों लाखों मतलब सालों साल से इंडस्ट्री में सिर्फ यही चलन था कि एक्टर तो हीरो तो जो है ऐसा होता है। लेकिन सब ऑड सिचुएशंस के बावजूद भी गए, लेकिन एक चीज मेरे दिमाग में थी कि जो सब कर रहे हैं वो नहीं करना है, तो अलग क्या करूं, अलग क्या होना चाहिए, उसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत थी। जो मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आके ट्रेनिंग ली, 3 साल मैंने एक्टिंग की पढ़ाई की वहां पर, और अपनी एक क्राफ्ट के बारे में समझा कि एक्चुअली इस पर्सनैलिटी में अगर मैं लोगों को इंप्रेस करना चाहता हूं, उसके लिए एजुकेशन की बहुत जरूरत है।